हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है किसी विश्व युद्ध से कम नहीं था। तो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे छूट चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे उनसे सीधे हम लोग जानेंगे और कैसा रहा उनका पेपर, क्या स्कोर रहा उनका, कितने बच्चे स्कोर कर पाए हैं, कितने अटेंड हुए हैं, सब लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया? अजी, इधर एग्जाम था। अजी 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 भैया, एग्जाम था जी सर। ये कितना, इधर थोड़ा आ जाइए, वो थोड़ा भीड़ हो जाएगी अभी उधर। ये कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने? जी मैंने 52 अटैम्प्ट किया। 52 अटैम्प्ट किए जी। 52 केवल? जी जी जी। ये बताइए, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है ना जी। अच्छा, तो ये बताइए प्रियंटी कितना परसेंट था लगभग, देखा जाए अगर सारे बच्चे सीट फुल थे कि खाली भी था कुछ सीट? बहुत ज्यादा सीट खाली थी। 50% से भी कम ही था। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे एक एक सब्जेक्ट सब पूछ रहा हूँ, थोड़ा आप अच्छे से ऐसा बताइए ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको मतलब लगे कि हाँ कोई अच्छा एनालिसिस करवाया गया। और आप बताने वाले भी आपके छोटे भाई बड़े भाई होंगे, तो पहले सबसे स्टार्ट करते हैं जीके और करंट अफेयर स्टैटिक से। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको याद हैं जो आए हुए हों स्टैटिक और करंट अफेयर्स के? नहीं ऐसा कुछ तो याद नहीं है। मैथ्स के? नहीं मैथ्स में ही याद नहीं। कैसे, जैसे किस चैप्टर से? एक्चुअली जो हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ के आए थे उस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं। करंट अफेयर्स जो भी है वो एकदम करंट का ही आया, जैसे कुछ मतलब याद है क्वेश्चन का आया। आप दिए पेपर भी? अभी थोड़ा सा। क्या नाम भैया आपका? कहाँ से आए पेपर देने? गोरखपुर। ये बताइए जो है पेपर कैसा था, मॉडरेट था या इजी या हार्ड, कैसे क्या गया? नॉर्मल था जी। नॉर्मल। कितना क्वेश्चन आपने अटेंड किया? 72। कोई क्वेश्चन याद है आपका करंट अफेयर या स्टैटिक का? क्या दिया था कि जैसे कि 8:45 ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन था। रीजनिंग का क्वेश्चन, कितना कोण बनता है। मैथ्स का क्वेश्चन? मैथ्स का रेशियो से कोई क्वेश्चन आया था? आया था। इसे अनुपात समानुपात हिंदी में कहते हैं। प्रतिशत से आया था लेकिन थोड़ा। अच्छा, करंट अफेयर्स जैसे कोई क्वेश्चन नहीं याद है? नहीं आया था ना करंट से। करंट से क्या, जैसे 2022 में वो विजय का महिला कौन सा सही हो, ऐसे कुछ आया था। अभी एग्जाम दे भैया। क्या नाम भैया? वीरेंद्र निषाद। ये कोई क्वेश्चन हमें बताइए जो अभी जो भी है, कोई क्वेश्चन बता नहीं पाए, अगर करंट अफेयर स्टैटिक का कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो बताए, जिससे आप छोटे। 2022 में पूछा था कि हु इज़ द सिल्वर मेडलिस्ट? जी जी। सो अंशु मलिक करके है जो अभी लेटेस्ट सिल्वर मेडलिस्ट है दिल्ली से। और सो और सब 50% आया था नॉर्मली। साइंस का क्या? साइंस का भी इजी था, कोई न्यूमेरिकल्स आए थे। फिजिक्स क्वेश्चन? फिजिक्स भी आया था। जैसे बता सकते हैं किस फार्मूले पे न्यूमेरिकल थे? कुछ फार्मूला तो लिटिल बिट हाइड्रोजनिक और नॉर्मली HO2 सिर्फ ऐसे करके फिजिक्स में आया था। और बायोलॉजी से? बायोलॉजी से भी था। रीजनिंग से कोई क्वेश्चन याद है आपको, मतलब जिसे चैप्टर जिसका नाम बता सके? चैप्टर वाइज रैंकिंग रीजनिंग का एक्सेस पूछा था। नॉन वर्बल ऐसे चित्र फिगर वगैरह पूछा था? हाँ पूछा था, फिगर भी आया था। और भी बच्चे इधर भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी अच्छे से एनालिसिस कोई नहीं बता पाया है जिससे। आप लोग पेपर दे चुके हैं भाई? आप लोगों ने पेपर दिया? ये बताइए बिल्कुल आराम से बताइए कि क्या क्वेश्चन आपको कोई याद है स्टैटिक्स का और करंट अफेयर का? जैसे करंट जो था, जो हाल फिलहाल करंट नहीं था, 2019 से 2019 का करंट पूछा। एक दो नहीं, मैंने करंट 5-7 लगभग थे। तो एक क्वेश्चन याद है आपको? एक भी क्वेश्चन 20 करंट अफेयर करंट का याद नहीं है। पूछा गया था कि लोकपाल कौन, नया लोकपाल कौन है? और भाई और कोई क्वेश्चन? और हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? और क्या और मतलब स्टैटिक से कोई क्वेश्चन नहीं याद है? अच्छा ये था कि जो विद्युत है नू, तो उसको धारा का कौन सा मतलब प्लॉट देता है, विद्युत धारा का कौन सा प्लॉट देता है उसको? अच्छा विद्युत धारा पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे करके पूछा। और ये बताइए मैथ से क्या क्वेश्चन? मैथ से क्वेश्चन तो था परसेंटेज से था, उसके बाद और रेशियो से एडवांस से था, एडवांस मैथ से ब्रिज से एक दो क्वेश्चन था, तो साइंस का क्वेश्चन से एक क्वेश्चन था, उसके बाद टेग्नोमेट्री से समय काम से था, टेग्नोमेट्री से दो क्वेश्चन था जी जी। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? हमने 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट। अच्छा ये बताइए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। ये बताइए तीन क्वेश्चन था जो घूमते हैं दक्षिण उत्तर पश्चिम वाला से। अच्छा ये दिशा परीक्षण से आया था और क्वेश्चन था, उसके बाद बैठाने क्रम में तीन क्वेश्चन, क्रम व्यवस्था तीन क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से था और नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल से आपका रीजनिंग जो एक था मतलब फिगर वगैरह दिया रहता है, फिगर में एक केवल फिगर में था केवल पत्ती काट कर बताया था कि पत्ती को इस तरह मतलब किस तरह कौन सा सजाया गया था, पत्ती अच्छा, काट कूट के बताया था। उसके बाद और भी जो स्टूडेंट हैं उनसे बात कर ले। भाई आपने पेपर दिया? पेपर दिए भाई? आ जाइए। क्या नाम भैया आपका? प्रिंस गुप्ता। ये बताइए हमें स्टैटिक्स और करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आपको याद है जो आपके एग्जाम्स में आया हो? कोई भी क्वेश्चन नहीं याद है 20 में से? नहीं कोई क्वेश्चन। अच्छा मैथ का क्या रोल था? मैथ ठीक था। किस मतलब किस किस चैप्टर से आया था कुछ बताएंगे?
परसेंटेज से आया था। परसेंटेज से आया था। और लाभ हानि? हाँ वो भी आया था। और CISI? वो आया था। और फिर एक चक्रवृद्धि ब्याज ये इससे भी आया था। भैया एक मिनट आ जाइए, जरा आ जाइए। कोई अभी अच्छे से एनालिसिस नहीं बता पाया कि कोई, आप क्वेश्चन एक दो बताइए जिससे आपको भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, उनको थोड़ा हेल्प मिल सके। करंट अफेयर, करंट अफेयर स्टैटिक से कोई क्वेश्चन क्या होता है? 4 साल पहले फार्म भरे थे। हाँ, बिल्कुल सही। हम लोग सोचे कि वो खत्म हो गया, वो तो आ गया जो तैयारी था, अभी हम वो सब उसको भी मतलब भूल गए। नहीं नहीं सही कह रहे हैं। इसमें क्या लिखेंगे सब हम? नहीं बात नहीं, मतलब शादी तो हुआ नहीं अभी, लगता है शादी में नहीं होगा इसमें से। सबको चाहिए सरकारी नौकरी वाला। अच्छा, सरकारी नौकरी मिलेगी तभी शादी होगी? नहीं नहीं, लड़की वाले को भी चाहिए सरकारी नौकरी वाला। अच्छा चलिए ठीक है, ये सब बात की बात है। क्या बताए, कोई क्वेश्चन याद है जो है करंट अफेयर? और क्वेश्चन देख के दिमाग खराब। कितना क्वेश्चन अटेंड किए? 60 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन देख के दिमाग खराब हो गया है। आपने कितना किया भाई साहब अटेंड? 79 किया। कोई क्वेश्चन जरा बताइए जो याद हो। क्वेश्चन कुछ था करंट अफेयर स्टैटिक्स का, करंट में वही इधर का दिया हुआ था भैया, थोड़ा हेल्प। वो मुख्य आर्थिक सलाहकार करके क्वेश्चन था, ठीक है, कि किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म पूछा हुआ था एक। अच्छा मैथ्स का? मैथ्स का लेवल ठीक था, तो कैलकुलेटिव। अच्छा साइंस का कोई क्वेश्चन बताइए जरा। साइंस न्यूमेरिकल आया था? न्यूमेरिकल ना, न्यूमेरिकल एक भी नहीं, न्यूमेरिकल नहीं था। एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेता इसका, एड्स का। अच्छा एड्स का फुल फॉर्म पूछा था। और बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन? बायोलॉजी में एक वो था ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली पूछा हुआ था, और जो जीके जीएस का क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा टफ था। अच्छा रीजनिंग की बात करें, मैथ्स मैथ्स का बताइए। रीजनिंग का पेपर बहुत अच्छा था। क्रम व्यवस्था से आया था क्वेश्चन? मैथ्स में क्या है, प्रॉफिट लॉस जो पढ़ के आएगा, परसेंटेज पढ़ लेगा, टाइम एंड वर्क पढ़ लेगा, तो वो मतलब अच्छा। मेंसुरेशन? मेंसुरेशन से कोई खास क्वेश्चन नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं था? नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं था। और इधर नंबर सिस्टम की बात कर लिया? नंबर सिस्टम से बढ़िया क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। पांच क्वेश्चन। केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे? केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन थे और बहुत ज्यादा लेंथी था। बैलेंस करने का, ग्लूकोज का इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पूछा, रिएक्शन करके पूछा था। और ये बताइए, हमें रीजनिंग की थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बताइए क्रम व्यवस्था से कोई क्वेश्चन था? सीटिंग डायरेक्शन से ज्यादा था। उसके बाद नॉन वर्बल से? नॉन वर्बल फिगर काउंटिंग से कोई क्वेश्चन नहीं। और बाकी ये न्यूमेरिकल सारे ऐसे जो आगे पीछे गिनते हैं नंबर करके, शिला जिसमें थी, थोड़ा बताइए भाई क्या हम बताए। जीएस का क्वेश्चन अगर बात करेंगे, जीएस का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक तो हरियाणा बनाम कुछ पूछा था, केस से संबंधित काल पूछा था, आपातकाल और राष्ट्रपति का, बस दो क्वेश्चन। और ये स्टैटिक से कोई दिन और दिवस से कोई क्वेश्चन? दिन दिवस से कोई एक ना कोई मुख्यालय या ऐसे कोई मुख्यालय भी नहीं। अच्छा ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा 20 क्वेश्चन में क्या दे दिया था? 20 क्वेश्चन में एक अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र बहुत शास्त्र थे, बहुत इंटरनल क्वेश्चन था कि बहुत मतलब न्यायालय में। अच्छा न्यायालय केस पूछा था? कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 76 आपने? 63 आपने कितना अटेम्प्ट किया भाई? सॉरी सर, आपने 76 आपने कितना अटेम्प्ट? 79 आपने कितना अटेम्प्ट किया? 79 आपने भाई? 90 कोई क्वेश्चन याद है स्टैटिक करंट अफेयर का? मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत, मुख्य आर्थिक सलाहकार वो किसके, वो बने हैं तो किसके स्थान पे बने हैं? किसके स्थान पर बने हैं? अच्छा, और बाल पुरस्कार मिला था कितनी भाषाओं में मिला? बाल पुरस्कार कितनी भाषाओं में मिला था? और कोई क्वेश्चन? और साइंस का कोई क्वेश्चन? और पूछा है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मतलब नाम चेंज किया गया, मेजर ध्यानचंद किस वर्ष चेंज किया गया? चेंज किया गया है। और यकृत से लीवर से क्वेश्चन? अच्छा यकृत से था, साइंस से बायोलॉजी से। यकृत में ऐसी यार क्या करता है? कोई क्वेश्चन याद है? और कोई क्वेश्चन? वो सर बोल रहे हैं कि वो साइड कहीं। ठीक है। कोई क्वेश्चन भाई बायोलॉजी से? और बायोलॉजी से बताइए जो फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन था ना, तो उसमें दिया हुआ था कि जो 6CO2 करके ऐसा होता है, तो उसमें CO2 जगह H2O के जगह पर PB करके दिया हुआ था, ऑप्शन था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके था। चलिए ठीक है बायोलॉजी। और कोई बताना चाहे क्वेश्चन? तो और भी बच्चे हैं, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जिसे सर के द्वारा बताया जा रहा है। आपने पेपर दिया भाई? ये बताइए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? पूरे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। कोई क्वेश्चन याद है आपको जो स्टैटिस्टिक्स और करंट अफेयर के आए हों? करंट अफेयर का वो तो याद नहीं है, लेकिन पहले का क्वेश्चन। अच्छा मैथ्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आए थे? एडवांस से था या फिर ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक्स,
एडवांस कुछ नहीं था, एडवांस कुछ नहीं था, सब ऑटोमेटिक से थे। कोई क्वेश्चन जैसे किसी चैप्टर वर्क एंड टाइम पता है सर, प्रेजेंटेशन अगर बोला जाए तो हमको लग रहा है 40 से भी नीचे है, 30-35% के आसपास। 30-35% के ऊपर प्रेजेंटेशन, 40% से अधिक नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो बच्चों के द्वारा देख लें क्या बताया जा रहा है। तो बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंटी है वो मात्र अगर 45 से 50 के आसपास ही है, जिसमें कुछ बच्चों ने 60 प्लस क्वेश्चन अटेंड किया है, मतलब 70 से अधिक किसी ने नहीं किया है। ये था पहले शिफ्ट का एनालिसिस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। हर शिफ्ट का एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे बच्चे बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस कराया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।